आप सभी का मन पसंदीदा शो द कपिल शर्मा शो अब जल्द ही सोनी टीवी को अलविदा कहने वाला है, लेकिन उसकी जगह लेने के लिए अब इंडियाज लाफ्टर चैंपियन बिल्कुल तैयार है। आपको बता दें कि शो की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है और खास बात तो ये है कि इंडियाज लाफ्टर चैंपियन के लिए अर्चना पूरन सिंह और शेखर सुमन को एज जज चुना गया है। लेकिन इससे अलग इंडियाज लाफ्टर चैंपियन में एक और हसीना की एंट्री हुई है, जो कि इस शो में होस्टिंग करते हुए लोगों को एंटरटेन करने वाली है। ये हसीना कोई और नहीं बल्कि द कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा के साथ निभा चुकी एक्ट्रेस रोशेल राव है। इंडियाज लाफ्टर चैंपियन की होस्ट के लिए पहले परिजात कोला को चूज किया गया था, लेकिन उनसे जुड़े सोर्सेस ने बताया कि शूटिंग के दौरान उन्होंने खुद को घायल कर लिया। परिजात से जुड़े सोर्सेस ने कहा कि शूट की शुरुआत में ही परिजात गिर गई थी और उन्हें चोट लग गई। ऐसे में मेकर्स ने फौरन रोशेल राव को कॉल किया। आपको बता दें कि रोशेल राव द कपिल शर्मा शो में लॉटरी के कैरेक्टर में दिख चुकी हैं। दूसरी ओर परिजात कोला के हाथ से टीवी की दुनिया में वापसी करने का मौका चला गया है। ऐसे में ये मौका जाते ही एक्ट्रेस ने अपना दुख जाहिर करते हुए कहा, मैं शोबीज में वापसी करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन बदकिस्मती से मैं गिर गई और मुझे अपने पैरों पर वापस खड़े होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी तबीयत जल्द ही ठीक हो जाए। वेल, आपको बता दें कि अर्चना पूरन सिंह और एक्टर शेखर सुमन ने इंडियाज लाफ्टर चैंपियन की शूटिंग शुरू कर दी है। अर्चना और शेखर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि शूटिंग शुरू हो चुकी है। अर्चना ने अपने इस वीडियो में बताया कि सेट वही है, जगह वही है, बस कॉन्सेप्ट अलग है। वीडियो में अर्चना का चेहरा देखकर पता चल रहा था कि वो इस शो के लिए कितनी एक्साइटेड है। भला आप इस शो को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।